प्लीज गाइड kind of things टू can काइंड कैन गिव टू मंथ्स ऑफ बेबी गर्ल टू ईट अच्छा जी ये जो वक्त होता है ना ये बड़ा क्रूशल वक्त होता है कि आपका बच्चा वीनिंग स्टार्ट करने वाला है मदर फीड पे अब आपने उसकी वीनिंग स्टार्ट करनी है जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि बच्चे की जो डाइट शुरू करने का वक्त होता है वो चार से छः महीने हैं इस वक्त दुनिया में ज़्यादातर जो डॉक्टर्स हैं या न्यूट्रिशनिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि आप जितना डिले कर सकते हैं बच्चे की डाइट शुरू करने में उतना बेहतर है और इस वजह से कि हमारी ज़्यादातर डाइट्स जो हैं वो अब उतनी प्योर नहीं रही उसकी वजह से क्या है कि इस किस्म की जैसे जिसे कहते हैं एलर्जीज़ और ऐसे चैलेंजेस जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं हैविंग सेट दैट एक चीज़ जो हमें समझनी चाहिए कि हर बच्चा डिफरेंट होता है मैंने जो अपने एक्सपीरियंस में देखा है क्योंकि मुझे भी तकरीबन अब तीस साल हो चुके हैं प्रैक्टिस करते हुए एज अ पीट्रिशन तो मैंने ये देखा है कि जो डाइट की जब हम बात करते हैं तो हर बच्चा खुद एहसास दिला देता है कि आई एम रेडी फॉर इट कई बच्चे जिनका वेट गेन सही हो रहा है माँ का दूध पी रहे हैं उनको छः माह तक भी ज़रूरत नहीं पड़ती और छः माह के बाद वो डाइट शुरू कर सकते हैं और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कि या तो बॉटल फेड होते हैं फीडर ले रहे होते हैं बार बार बीमार हो रहे होते हैं तो उनको स्विच करने की जरूरत होती है ज़्यादा बेहतर ऑप्शन पे कई बच्चे ऐसे होते हैं कि वो चार या पांच माह के होते हैं और जब आप उनको गोद में बिठाते हैं और सब घर वाले मिलके खाना खा रहे हैं तो बच्चा चीख चीख के वो खाना मांगता है कि मुझे दे दो फिर अगर हम अपने पहले वक्तों में चले जाएं तो हमारे बुजुर्ग क्या कहते थे um, कोई नानी दादी बताती हैं कि जी हम तो बच्चों को एक रोटी का टुकड़ा पकड़ा देते थे और अपने काम करते रहते थे और बच्चा वो चूसता रहता था तो आपको अपने बच्चे को खुद देखना है कि आपका बच्चा कितना रेडी है पहली बात दूसरी बात ये कि बच्चे के लिए मैं दो तीन प्रिंसिपल हमेशा बताती हूँ जब भी मेरे कोई पेशेंट्स भी मेरे पास आते हैं और बात करते हैं एक तो मैं प्रिंसिपल ये कहती हूँ कि आपने ये ख्याल करना है कि जो आपने मील देना है वो होममेड होना चाहिए ये जो बाजारी प्रोडक्ट्स हैं बिल्कुल ये ना दिया करें अपने बच्चों को इसलिए कि उनमें प्रिजर्वेटिव होते हैं ठीक है टी की स्क्रीन पर खूबसूरत सा बच्चा आ जाता है और साथ वो कोई गिफ्ट में आपको कोई प्याला दे देते हैं कोई चम्मच दे देते हैं या और कोई ऐसा टोकन देते हैं। लेकिन ये अच्छी चीज नहीं है घर की बनी हुई खालिश चीज देनी चाहिए इसमें मुझे हैरत भी बहुत होती है कि अक्सर वाले अगर जब मैं उनको कहती हूँ कि घर की चीज दें चावल दें मसला तो वो कहते हैं जी उससे रेशा हो जाएगा अच्छा के, केला खिला दें जी रेशा हो जाएगा लेकिन उसी तरह की कोई बाजारी प्रोडक्ट है मैं पूछती हूँ अच्छा वो आप कौन सा फ्लेवर दे रहे हैं तो कभी वो कहेंगे जी बनाना कभी वो कहेंगे वीट तो मैं कहती हूँ देखें जब आप बाजार की बनी हुई पैकेट में डली हुई उसमें आपको ये भी नहीं पता कि उसको कैसे प्रिपेयर किया गया वो आप दे रहे हैं तो आप घर के बनी हुई अपने सामने या अल्लाह ने जो नाजल फरमाई जैसे हमारे लिए पैदा की वो चीज़ क्यों नहीं आप दे सकते तो मेरी अकल इसको कबूल नहीं करती तो मैं अक्सर पेरेंट्स से यही बात कहती हूँ कि आप अपने बच्चों को होम मेड फूड दें दूसरी बात यह होती है कि एकदम से बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो इंट्रोड्यूस ना करें बच्चे को यानी क्या कर दिया सुबह एक चीज़ दी शाम को दूसरी चीज़ दी दो दिन बाद एक और चीज़ दी ऐसे ना करें आप एक चीज़ से शुरू करें सबसे ज़्यादा माँ के दूध के बाद हम कहते हैं कि योगर्ट दही जो है वो बेस्ट होता है अब आपने अगर घर में दही जमाया तो एक्सीलेंट है उसके बाद आपने दही जो है बच्चे को दिया और अब बच्चा कितना खाता है हर बच्चे का डिफरेंट होता है कुछ जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि आप पहले बहुत थोड़ी क्वांटिटी दें लेकिन ये भी मैंने विद एक्सपीरियंस देखा है कि बच्चे से बच्चे पे वेरी करता है कुछ बच्चे जो होते हैं वो दो चम्मच लेके ही बस खामोश हो जाते हैं वो और नहीं लेना चाहते शुरू में कुछ बच्चे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मांगते हैं तो आप जितना बच्चा लेता है मैं तो ये पेरेंट्स को एडवाइस करती थी कि जितना इन वन गो बच्चा खाता है उसको एज अ फुल मील शुरू से आदत डालें कि ये आपने लेना है फिर ये कि आपने मसलन 10 दिन उसको योगर्ट दिया अब उसको खाने की योगर्ट आदत पड़ गई उसको उसका टेस्ट डेवलप हो गया उसका टेक्सचर उसको समझ आ गया उसको सॉलो करना उसको आ गया अब आप उसके साथ केला शुरू करें जो चीज़ नई हो वो आप हमेशा दिन के टाइम पे दें क्योंकि अक्सर बच्चों को शाम को कई दफ़ा पेट में गैस वगैरह होती है तो नई चीज़ अगर आपने शाम को दी तो आपकी रात मुश्किल गुजरेगी आपके बच्चे के साथ साथ इसी तरह आपको एक और काम ये करना होगा कि जब आप बच्चे को डाइट देते हैं तो इसी तरह आप चीज़ें ऐड करते जाएं। दो चीज़ें जिससे एक्सपर्ट्स मना करते हैं वो कहते हैं कि आपने पहले दो साल में किसी सूरत में बच्चे को इंट्रोड्यूस नहीं करनी अब मैं ख़ुद देखती हूँ कि ये किसी सूरत में ना इंट्रोड्यूस करना बहुत मुश्किल हो जाता है लेकिन एटलीस्ट कॉन्शियस एफर्ट करें कि ये मैंने नहीं बच्चे को देनी एक और उसको हम कहते हैं टू वाइट पॉइसन एक उसमें चीनी है तो आपने अगर कोई चीज़ मीठी देनी है तो नेचुरल फ़्लेवर्स दें जैसे आप शहद इंट्रोड्यूस करें या आप खजूर है उसको सोक कर दें या जब आप फ्रूट्स शुरू करें तो फ्रूट का जो फ़्लेवर होता है मीठा वो मिठास उसको इस्तेमाल करें बहुत ज़्यादा शुगर वाली चीज़ें ना दें और दूसरा होता है मैदा आप देखें अक्सर घरों में मैं देखती हूँ कि जब माओ से मैं पूछती हूँ कि आप बच्चे को खाने में क्या दे रही हैं तो वो कहती हैं रस या हम बड़े फ़खर से कहते हैं हम इसको बिस्किट देते हैं तो बिस्किट सिर्फ मैदा और चीनी है तो इस चीज़ से अपने आप को बचाएं फिर इसी तरह आप आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें इंट्रोड्यूस करते जाते हैं और वक्त के साथ साथ जो है बच्चा फिर वो और ज़्यादा चीज़ें लेता है फिर आपको ये भी समझ आ जाती है बच्चे को मीठा पसंद है नमकीन पसंद है आज ये चीज़ अवेलेबल है फिर आप वैरायटी जो है घर में वो चेंज करते जाते हैं अगर आप अपने घर के बुजुर्गों से पूछें हम आपको बहुत अच्छी तरह बताएंगे कि हम सूजी ऐसे बनाते थे हम सागुदाना खिलाते थे हम फिरनी बनाते थे हम बच्चे को प्यूरी बना के जो ये फल की है वो देते थे और फिर आज आस्ता हम सॉलिड पे ले आते थे